हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लाइट का फोर्थ पार्ट करने जा रहे हैं, स्फेरिकल लेंसेज। लास्ट पार्ट बचा है ये हमारा, ठीक है। इसके बाद लाइट फिनिश हो जाएगा, लाइट चैप्टर, ठीक। अच्छा, अभी स्फेरिकल लेंसेज स्टार्ट करते हैं। स्फेरिकल लेंसेज क्या होता है पहले ये देखते हैं, ठीक है। ओके, सो व्हाट आर स्फेरिकल लेंसेज? तो उसमें देखिएगा, स्फेरिकल लेंसेज आर द लेंस फॉर्म बाय बाइंडिंग टू स्फेरिकल ट्रांसपेरेंट सर्फेस। मतलब एक तरह से ये मान के चलो आप, जैसे मिरर था ना, उसमें एक साइड ट्रांसपेरेंट थी, ठीक है, और दूसरी साइड पे कलरिंग होता था, पेंट होता था। इसमें क्या है, दो दो मिरर्स को ज्वाइन कर दिया गया है। स्फेरिकल लेंसेज आर द लेंसेज फॉर्म बाय बाइंडिंग टू स्फेरिकल ट्रांसपेरेंट सर्फेस। स्फेरिकल लेंसेज फॉर्म बाय बाइंडिंग टू स्फेरिकल बल्जिंग। जब बल्जिंग आउटवर्ड होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स लेंस बोलेंगे, ठीक है ना। जब बल्जिंग आउटवर्ड होगा तो उसको हम बोलेंगे कॉन्वेक्स लेंस, देखो ये, ठीक है। मतलब अगर इस तरह का शेप होगा, बल्जिंग आउटवर्ड, ठीक है ना, मतलब ये मिडल में यहाँ पे थिकर होगा, यहाँ पे थिनर होगा, ठीक है, तो उसको हम कॉन्वेक्स लेंस बोलेंगे। व्हाइल द स्फेरिकल लेंसेज फॉर्म बाय बाइंडिंग टू स्फेरिकल सरफेस सच दैट दे कर्व्ड इनवर्ड। मतलब इनवर्ड कर्व है, अगर ऐसा कर्व होगा, ठीक है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कॉनकेव लेंस। देखो केव लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे एंड ऐसे, केव लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉनकेव लेंस। अब ये मिडल में यहाँ पे थिन होगा और इधर पे थिक होगा, ठीक है ना, यहाँ पे ये थिक होगा और यहाँ पे थिन होगा। समझ में आया, कॉनकेव और कॉनवेक्स, ये है कॉनवेक्स और ये है कॉनकेव। कॉन्वेक्स यहाँ पे थिक है और यहाँ पर थिन, ठीक है ना, समझ में आया ये दोनों चीजें, ठीक। अच्छा, अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं इसमें, जैसे पोल क्या होता है। तो अभी मैंने यहाँ पे लेंस आपके लिए बनाया था ना, देखो हम फिर से बना देते हैं। ये मैंने लेंस बनाया, ठीक है, ये जो पॉइंट होता है ना, इसको हम बोलते हैं पोल। पोल भी बोलते हैं और ऑप्टिकल सेंटर भी बोलते हैं, ठीक है ना, इसको हम पोल भी बोलते हैं और ऑप्टिकल सेंटर भी बोलते हैं, ठीक है। अब पोल से जो लाइन पास हो रही है, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, द लाइन पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। अब अगर इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ होती है, ठीक है ना, अगर इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मैंने ये लाइन ड्रॉ की, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पैराएक्सियल, मतलब एक्सिस के पैरा पैरेलल, ठीक है ना, अरे क्रॉस टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड पैरेलल टू इट। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या था, तो ये जो हमने बनाया है, इसका जो स्फेयर का जो पार्ट है ना, ये एक, ठीक है ना, ये सरफेस स्फेयर का पार्ट है, तो उस स्फेयर का सेंटर क्या था, सेंटर ऑफ कर्वेचर। द सेंटर ऑफ द स्फेयर दैट स्फेरिकल लेंसेज वाज पार्ट ऑफ इट। अब स्फेरिकल लेंस हैज टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑफ कोर्स, क्योंकि दो कर्व सरफेस है, तो मतलब एक सरफेस से इधर सर्कल बन रहा है और दूसरे से इधर सर्कल बन रहा है, ठीक है ना, ऐसे सर्कल बन रहा है, तो दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे, एक उधर होगा और एक इधर होगा। सेम दो फोकस भी होंगे, एक यहाँ पे फोकस होगा और एक यहाँ पे फोकस होगा, ठीक है ना, समझ में आया ना जी। अब फोकस क्या है, इट इज द पॉइंट ऑन द एक्सिस। अच्छा, फोकस कौन सा पॉइंट होगा, जब पैरेलल लाइंस आएंगी ना, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो, अब जैसे हमने ये कौन सा लेंस लिया था, ये लिया था कॉन्वेक्स, तो कॉन्वेक्स में ना ये कन्वर्ज हो जाएंगी, कन्वर्ज होके जिस पॉइंट में मिलेंगी उस पॉइंट को हम लोग फोकस बोलते हैं, ठीक है ना। और सेम अगर ये कौन सा लेंस होगा, अगर ये हो जाएगा लेंस कौन सा वाला, कॉनकेव, तो कॉनकेव में जब पैरेलल लाइन आती है ना, तो वो पैरेलल लाइन कन्वर्ज होने के बजाय क्या होती है, वो पैरेलल लाइन डाइवर्ज हो जाती है, ऐसे चली जाती है, ठीक है, तो वो पीछे ऐसे मिलती हुई अपीयर होती है कि वो एक पॉइंट पर मिल रही है, तो इस पॉइंट को बोलते हैं फोकस। समझ में आया, दोनों चीजें समझ में आई, ठीक है। अच्छा, अभी हम लोग डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं, मैं ये सारे जितने बनाए हैं मैंने सबको हटा के एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं, ठीक। तो फोकस क्या है, इट इज द पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ अ लेंस टू विच रेज पैरेलल, जो पैरेलल लाइंस होती है लाइट कन्वर्ज, और फ्रॉम विच दे अपीयर टू डाइवर्ज। मैंने बताया था ना, कन्वर्ज कौन से वाले केस में हो रही है,
कन्वर्ज हो रही हैं कॉन्वेक्स के केस में, और डाइवर्ज कहाँ पे हो रही हैं, डाइवर्ज हो रही हैं कॉनकेव वाले केस में, ठीक है ना। फोकल लेंथ डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ, ठीक है। कॉनकेव कौन था, डाइवर्जिंग लेंस, कॉन्वेक्स कौन था, कन्वर्जिंग लेंस, समझ में आया ये चीज आपको, ठीक है। अब देखो रूल्स ऑफ रे डायग्राम, जो रे डायग्राम हम बनाते हैं ना इमेज फॉर्मेशन का, उसके दो रूल्स होते हैं, उसमें हमें मिनिमम दो रेज बनानी होती है, जिनमें से एक रे जो होती है अरे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस बनाते हैं, ठीक है, विच पासेस और अपीयर टू पास थ्रू द फोकस, जो फोकस से पास हो रही, ठीक है ना। और दूसरी लाइन कहाँ से बनाएंगे हम, ऑप्टिकल सेंटर से बनाएंगे, ये जिसको हम बोले कि वो पोल से बनेगी, और जीरो डेविएशन, कोई डेविएशन नहीं होता, एकदम सीधा निकल जाती है, ठीक है। तो हमें ये बेसिकली दो बनानी है, कौन कौन सी, एक तो वो जो पैरेलल है और कहाँ से पास करेगी, फोकस से पास करेगी, ठीक है, और दूसरी कौन सी, वो दूसरी वो जो पोल से पास करती है, ठीक है ना, और डेविएट नहीं होती, ठीक, समझ में आया ये चीजें। तो इन दो से हम लोग इमेजेस बनाएंगे, ओके। अभी देखिए इसके बाद आप इमेज फॉर्मेशन देखते हैं हम लोग कॉनकेव लेंसेज में, तो मैंने बताया था कॉनकेव में जब इनफाइनाइट से, देखो ये इनफाइनाइट से पैरेलल ये बीम्स आ रही है ना, ये रेज है विच आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, और यहाँ पे ये क्या है, पोल है, ठीक है ना। तो जब ये पैरेलल आती है तो ये एक पॉइंट पे मिलती है, और इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को हम फोकस बोलते हैं, ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसको हम टू एफ भी बोलते हैं, समझ में आया ना ये चीज, ठीक है। तो जब लाइन पैरेलल होएंगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो कहाँ पे मिलेंगी, अपोजिट साइड फोकस पे, राइट, किसमें, कॉन्वेक्स लेंसेज में। तो पहले भी हम लोग जो इमेज फॉर्मेशन देखेंगे वो कॉन्वेक्स लेंसेज का देखेंगे, इसमें टोटल सिक्स टाइप से इमेज फॉर्मेशन होती है, जिसका ये फर्स्ट टाइप है, ठीक है ना। कितनी चीज समझ में आई, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मीन्स फोकस पे बनेगा, और देखो ये पॉइंट साइज इमेज बनेगी, ठीक है। तो इमेज कैसी बनेगी, इमेज बनेगी पॉइंट साइज मतलब हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है, डिमिनिश्ड मतलब बहुत छोटी, ठीक, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज और रियल, ठीक है ना, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज एंड रियल, रियल इमेज बनेगी, ठीक है। अब जरा दूसरा केस देखते हैं, दूसरे केस में क्या है, देखो अब पैरेलल से आने वाली की चीज थी ना, अब हमने इसको पैरेलल से किसी फाइनाइट डिस्टेंस पे लिया है, फाइनाइट डिस्टेंस पे और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर, ठीक है ना। एक तो फाइनाइट डिस्टेंस, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, ठीक है, ये इसको हम 2f भी बोलते हैं, ये है फोकस, ठीक है। तो एक फाइनाइट डिस्टेंस पे और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर है, ठीक। तो ऑब्जेक्ट लेंथ जिसको हम u भी लिखते हैं, u जो है दैट इज ग्रेटर देन 2f है, ठीक है ना, u जो है वो ग्रेटर देन 2f है। अब मैंने क्या बताया था कि अगर इमेजेस बनाना है, फिगर बनाना है ये फिगर, तो उसमें हम दो बीम्स बनाते हैं, ये दो रे बनाते हैं, तो वो जो रेज होती है उनमें से एक जो होती है वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड पासिंग थ्रू फोकस, देखो ये पहले पैरेलल आई प्रिंसिपल एक्सिस से, फिर ये फोकस से पास करेगी, ठीक है, और दूसरी वाली जो है वो बिना डाइवर्ट हुए पोल से पास करके सीधे निकल जाती है। तो ये दोनों कहाँ पे बना रहे, देखो यहाँ पे इमेज बन रही है, तो इमेज कहाँ बन रही है, एफ और सी के बीच में, मतलब जो इमेज की जो लेंथ होगी जिसको हम वी भी बोलते हैं, ठीक है ना, इसको हम वी भी बोलते हैं, तो वी जो है वो ग्रेटर देन होगी एफ के एंड लेस देन होगी 2f से, है ना, एफ और 2f के बीच में बनेगी इमेज जो है वो एफ और 2f के बीच में बनेगी, हम बोले एफ और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगी। अब देखो इमेज कैसी बनेगी, पहली बात कि रियल बनेगी, दूसरी बात के कैसी, ये देखो उल्टी बन रही है इमेज, ठीक है ना, तो ये रियल बन रही है और इलेक्ट्रिक बन रही है, और तीसरी चीज डिमिनिश बन रही है, ठीक है ना, समझ में आया ये चीजें, ठीक। अच्छा अभी इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, अब क्या करेंगे हम ऑब्जेक्ट को और पास में लाके, मतलब लेंस के पास में लाके, और इसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ले आएंगे। तो देखो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ जाएगा तब क्या होगा, देखिए
अभी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ गया हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ जाता है ना, सी देखो ये सी है, ये क्या है एफ है, एक लाइन पैरेलल गई और ये फोकस से आगे हमने बढ़ाई, फोकस से जाते जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद दूसरी लाइन पोल से जाएगी और ये कहाँ मिल रही है, एग्जैक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर का, ठीक है ना। तो अगर ऑब्जेक्ट की लेंथ यहाँ बोले यू, यू कहाँ पे होगा, 2f पे होगा, तो इमेज यानी v भी कहाँ बनेगा, 2f पे बनेगा, ठीक है ना। तो रियल होगा, सेम साइज होगा एंड उल्टी डायरेक्शन में होगा, ठीक है, समझ में आया। अच्छा अभी इसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट अब देखो, अब हम ऑब्जेक्ट को लेंस के और पास में लाते हैं, और पास में लाते हैं तो मतलब कहाँ लाते हैं, सी और एफ के बीच में लेके आते हैं। तो सी और एफ के बीच में लाते हैं तब क्या होता है ये देखते हैं। देखो जब सी और एफ के बीच में आ जाएगा ना, तब अब फिगर बनाते हैं। तो फिगर जब हम बनाएंगे इसका, तो देखो एक रे पैरेलल फोकस से पास होके आगे निकल गई और दूसरी पोल से, ठीक है। कहाँ मिलेंगी, देखो ये बियॉन्ड सी मिल रही है, सी के बाहर जाके मिल रही है, ठीक है ना, समझ में आया ना। तो इसका मतलब अगर U की डिस्टेंस जो है वो लेस देन, U की डिस्टेंस ग्रेटर देन हो जाए F और लेस देन हो जाए 2F, ठीक है ना। तो V की डिस्टेंस क्या हो जाती है, V की डिस्टेंस हो जाती है ग्रेटर देन क्या, 2F, ठीक है ना। U अगर F और 2F के बीच में आ जाए तो V जो है वो 2F के बाहर चला जाता है, मतलब ये 2F से ज्यादा हो जाती है। अच्छा अब इमेज कैसा बनेगा, रियल बनेगा, अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा और तीसरा इनलार्ज होगा। देखो यहाँ पे इनलार्ज है, बड़ा बन रहा है, ठीक है ना, इनलार्ज है मतलब बड़ा बन रहा है, समझ में आई ये चीज, ठीक है। अच्छा अब हम ऑब्जेक्ट को लेंस के और पास में लाते हैं, तो और पास में कहाँ लेके आते हैं, फोकस पे ले आते हैं, ठीक है। तो देखो जब फोकस पे लाएंगे ना, तो आपको फर्स्ट वाला केस याद है, जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बीम्स आ रही थी तो फोकस पे फिगर बन रहा था, पॉइंट फिगर बन रहा था, पॉइंट इमेज बन रही थी बट फोकस पे बन रही थी। अब जब ऑब्जेक्ट फोकस पे आ जाएगा तब क्या होगा, तब इमेज जो होगी ना वो कहीं इन्फाइनाइट पे जाके बनेगी, बीम्स जो है वो पैरेलल हो जाएंगी। देखो ये रहा फोकस पे, हम फोकस पे लेके आ गए, ठीक है। तो अब अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे आ जाएगा, ठीक, तो ये लाइन पैरेलल गई और ये अपोजिट साइड वाले फोकस से पास हो गए और दूसरी लाइन पोल से पास हो गई, दूसरी रे पोल से पास हुई। अब देखो ये कहीं नहीं मिल रही है, आगे जाके कहीं कहीं बहुत दूर जाके इनफाइनाइट पे बनेगा, ठीक है। तो पहली चीज कि इनलार्ज, तो मतलब हाईली इनलार्ज हो गया, रियल हो गया एंड हाईली इनलार्ज हो गया, ठीक है, कहीं इनफाइनाइट पे जाके बनेगा, समझ में आई चीज आप लोगों को, ठीक है ना। तो फोकस पे आके कहाँ चला गया, ये इनफाइनाइट पे चला गया। अब देखो जब फोकस से और अंदर हम ऑब्जेक्ट को लाएंगे तब क्या होगा, जब हम फोकस से और अंदर ऑब्जेक्ट को लेके आते हैं तब ये इकलौता केस है जब हमारी इमेज जो है वो वर्चुअल बनेगी, है ना, सेम साइड बनेगी, वर्चुअल बनेगी, ठीक है, इनलार्ज है, सेम साइड है और वर्चुअल है। देखो अब हमने क्या किया, अब इस केस में एक लाइन ये पैरेलल गई, ठीक है ना, और ये कन्वर्ज होके फोकस से पास होके सीधे निकल गई और दूसरी पोल से बिना डाइवर्ट हुए सीधे निकल गई। अब ये तो कहीं मिल ही नहीं रही है, ठीक है ना, ये दोनों तो एक दूसरे से दूर जा रही है, तो हमने क्या किया, इनको पीछे बढ़ाया, ये पीछे जाने पर कहीं एक पॉइंट पे मिलेगा और यहाँ पे ये जो इमेज बनेगा, ये पहली चीज के इमेज जो है वो वर्चुअल बनेगी, रियल नहीं है, ये इकलौता केस है जब वर्चुअल इमेज बन रही है। और दूसरा दूसरा क्या होगा कि इनलार्ज होगा, सेम डायरेक्शन में होगा, ठीक है, समझ में आया ये चीज। अच्छा अब एक चीज और मेरे को आपको बतानी है कि जो लेंथ होती है ना, उसको कैसे हम उसको पॉजिटिव और कैसे उसको नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। तो सेम आप लोगों ने वो पढ़ा है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट पर रखा होगा, तो पोल को हम अगर सेंटर ले लें, ठीक है, तो यहाँ पे जो चीजें हैं वो सब पॉजिटिव है एक्स एक्सिस पे, यहाँ पे जो है वो नेगेटिव है। तो एक्स एक्सिस क्या होती है हमारी, ये होती है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल एक्सिस के इस तरफ सारा पॉजिटिव और इस तरफ सारा नेगेटिव,
तो ऑब्जेक्ट तो हमेशा निगेटिव डायरेक्शन में ही है ना, तो यू हर केस में निगेटिव होता है, ठीक है ना, समझ में आया, यू हर केस में निगेटिव होता है। एफ यानी फोकस, फोकस था आप ये वाला फोकस लेते हैं, जहां से पैरेलल बीम्स आ रही थी ना, जहां पे मिल रही थी एक फोकस पॉइंट पे, तो फोकस कैसा होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना, फोकस कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, ये अपोजिट डायरेक्शन होगा, यू से अपोजिट डायरेक्शन होगा फोकस का हमेशा। अच्छा वी कैसा हो जाएगा, वी देखो वी फाइव केसेस में तो पॉजिटिव होता है, क्योंकि फाइव केसेस में इमेज इस तरफ बन रही होती है, ठीक है, सिर्फ ये वाला जो एक केस है जहां पे वर्चुअल इमेज बन रही है वहां पे भी नेगेटिव होता है, ठीक है ना, इससे पहले के जो हम लोगों ने पांच केस लिए थे वहां पे वी पॉजिटिव होगा, सिर्फ एक ये केस जहां पे वर्चुअल इमेज बन रही है वहां पे भी कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। समझ में आया, होप सो आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी अच्छे से। अब इसके बाद आप लोग इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा, ठीक है, और इसको बार बार प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कॉनकेव मिरर से इमेजेस कैसे बनती है, उससे केवल दो ही केस होते हैं कॉनकेव वाले, ये देखिए मैंने दोनों यहीं पे एक पेज में बना दिए हैं, ये पैरेलल बीम्स जो आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है, वो डाइवर्ज हो रही है, ये डाइवर्ज हो रही है, डाइवर्ज होने के बाद दे आर अपीयर टू मीट एट अ पॉइंट एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस पॉइंट, ठीक है। तो पहली चीज के इमेज वर्चुअल है, यहाँ पे हमेशा वर्चुअली बनती है, और दूसरी चीज कि फोकस, देखो फोकस जो है एफ यहाँ पे नेगेटिव होता है, ठीक है ना, यू यू भी कैसा होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है, और वी मतलब जो इमेज बन रही है वो भी इसी तरफ बन रही है, तो वी भी कैसा होगा, नेगेटिव होगा। मतलब कि कॉनकेव के केस में सारे साइन जो है वो नेगेटिव होते हैं, ठीक है ना। अब दूसरा केस देखो, जब फाइनाइट डिस्टेंस पे आ जाता है, मतलब देखो अब हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ लिया है, ऑब्जेक्ट को एफ और टू एफ के बीच में लिया है, तो एक लाइन ये पैरेलल गई प्रिंसिपल एक्सिस के जो डाइवर्ज हो गए, और दूसरी पोल से बिना डाइवर्जेंस के सीधे निकल गई, ठीक है ना, बिना रिफ्लेक्ट हुए सीधे निकल गई, ठीक। तो अब ये कहाँ पे अपीयर टू मीट है, इस पॉइंट पे, और इमेज कैसा बन रहा है, इमेज एक तो वर्चुअल है, ठीक है, फर्स्ट, और दूसरा कैसा है, डिमिनिश, ठीक है, डिमिनिश्ड है, ठीक है, मतलब छोटा है, डिमिनिश्ड मतलब छोटा है, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट से छोटा बन रहा है। तो एक चीज याद रखना कि कॉनकेव लेंस में यू वी एफ सब नेगेटिव होते हैं, ठीक है, इतनी चीज याद रहेगी, केवल दो केसेस हैं इसके। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो क्या है, साइन, मैंने आपको साइन बताया, डिस्टेंस मेजर्ड टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एंड वाई एक्सेस आर पॉजिटिव टुवर्ड्स द नेगेटिव वाई एक्स, और वाई एक्सेस भी पॉजिटिव और नेगेटिव बनती है। अच्छा अब जो इमेज के बीच जब हम लेंथ लेते हैं ना, तो अगर इमेज अपसाइड, जैसे यू हमने हमेशा अपसाइड लिया है, तो यू कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। अब अगर वी जैसे डाउन साइड बन रहा है, तो वी कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, पता है ना, यू अपसाइड y एक्सिस पे यहाँ पे पॉजिटिव होता है और यहाँ पे y एक्सिस पे नेगेटिव होता है, ठीक है ना। यूजुअली द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट टेकन एज पॉजिटिव एज इट इज अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, हाइट ऑफ द इमेज टेकन एज नेगेटिव एज इट इज द बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। बट केवल एक केस जब वो पीछे बन रहा था ना, वर्चुअल वाला ऐसे बन रहा था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव ले लिया जाएगा, ठीक है, समझ में आया ये चीजें आपको। हाइट है, हम हाइट ले रहे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है ना, योर वी की डिस्टेंस नहीं ले रही है, ओके, इतनी चीज समझ में आई। अच्छा अब इसके बाद यूज ऑफ स्फेरिकल लेंसेस क्या होते हैं, हमारे जो स्पेक्ट्स होते हैं या बाइनोकुलर्स जो होते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लासेस लेंसेज जो होते हैं, टेलीस्कोप जो होते हैं, उन सब में स्फेरिकल लेंसेज का यूज होता है, राइट। अच्छा अब इसके बाद देखिए, ये मैंने बोर्ड पे पढ़ाया था, उसका मैंने पिक लेके रखा था, आप चाहो थोड़ा सा शायद क्लियर नहीं है, एक बार आप देखोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। देखो ये फर्स्ट केस है जब वर्चुअल इमेज बन रहा है, ठीक है ना, ये पहला वाला केस है जब वर्चुअल इमेज बन रहा है, इनलार्ज वर्चुअल एंड इरेक्टेड सीधा, ठीक है, इस केस में इनलार्ज और कहाँ पे है, एफ और टू एफ के बीच में, अच्छा एफ और टू एफ के बीच में था, तो इनलार्ज रियल और इन्वर्टेड, ठीक है ना, इस केस में इनलार्ज रियल और इन्वर्टेड। अब 2f से बाहर तो डिमिनिश्ड रियल और इन्वर्टेड, इसके बाद f पे आ गया तो हाईली इनलार्ज, बताया था ना पैरेलल चली जाती है बीम्स, हाईली इनलार्ज वर्चुअल एंड इरेक्टेड,
2f पे होगा तब कहाँ बनेगा, देखो 2f पे होगा तो diminished real and inverted, ठीक है ना, diminished real and inverted। अच्छा उसके बाद ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होगा तब कहाँ, फोकस पे, तो हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है ना। ये सारे केसेस मैंने भी आपको पढ़ाए, ठीक। और ये कॉनकेव वाला डिमिनिश्ड वर्चुअल इरेक्टेड, ठीक है, जब एफ और टू एफ के बीच में ऑब्जेक्ट है, और जब पैरेलल बीम आती है तब हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज वर्चुअल एंड इरेक्टेड, ठीक है ना, समझ में आया। जब मतलब सेम डायरेक्शन में ऐसे होता है ना, जहाँ ऑब्जेक्ट भी वही और इमेज भी वही, तो इसको हम बोलते हैं इरेक्टेड, ठीक है। अच्छा और उसके बाद अगर अपोजिट डायरेक्शन में बन रहा होता है ना, ऑब्जेक्ट है यहाँ पे और इमेज बन रहा है यहाँ पे, तो हम इसको क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड, ठीक है ना। तो इरेक्टेड और इन्वर्टेड का याद रखिएगा, इरेक्ट कब होती है और इन्वर्ट कब होती है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिया, ये नेगेटिव होता है और ये पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। कॉनकेव के लिए जो एफ की लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है। अब देखो मैं आपको बताऊंगी बाद में पावर ऑफ लेंसेस, तो उसमें ये चीज पढ़ाऊंगी, उसके पहले ये देखिए कॉन्वेक्स लेंस में यू ऑलवेज नेगेटिव होता है, पता है हमको। वी नेगेटिव होता है कब, एक केस में नेगेटिव होता है कब, व्हेन ऑब्जेक्ट इज ओ और एफ के बीच में हो जाए, ठीक है ना, समझ में आया। और वी पॉजिटिव होता है ऑल केसेस में, मैंने बताया था ना, दूसरे साइड बनता है तो ऑल केस में पॉजिटिव हो जाएगा। एफ पॉजिटिव होता है और इसका पावर भी पॉजिटिव होता है। पावर क्यों पॉजिटिव होता है, क्योंकि पावर ऑफ लेंस होता है पी होता है वन अपॉन एफ, पावर ऑफ लेंस पी क्या होता है वन अपॉन एफ, तो अगर एफ पॉजिटिव तो पी पॉजिटिव, एफ नेगेटिव तो पी नेगेटिव, ठीक है। अब कॉनकेव लेंस में वी भी नेगेटिव, यू भी नेगेटिव और एफ भी नेगेटिव और पावर भी नेगेटिव, मतलब इसके लिए हर चीज नेगेटिव, ठीक। अब इमेज, और हाँ इमेज हमेशा इसकी कैसी बनती है, डिमिनिश्ड बनती है, ठीक है ना। टू लेंसेज इन कॉन्टेक्ट, अच्छा अगर दो लेंसेज एक साथ लगा दी जाए, जैसे नहीं अपना इसमें माइक्रोस्कोप वगैरह में लगाया जाता है, तो उनका पावर कैसे निकालते हैं, पी जो हो जाता है ना वो पी वन प्लस पी टू बन जाता है, तो नेट फोकल लेंथ कैसे आती है, वन अपॉन एफ इज वन अपॉन एफ वन प्लस वन अपॉन एफ टू, ठीक है। अभी देखो मैं इसको वापस से आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक। देखिए इमेज ऑफ ये मैंने बनाया है चार्ट, आप चाहो तो इस चार्ट का स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ठीक है, ये मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आप लोगों को, ठीक। और ये कॉनकेव लेंसेस का, ठीक है। अब देखिए लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला क्या होता है, द फॉर्मूला गिवन द रिलेशनशिप बिटवीन डिस्टेंस यू इमेज बी एंड द फोकल लेंथ एफ, तो लेंस फॉर्मूला क्या होता है, वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इज वन अपॉन एफ, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन भाई रेशियो, रेशियो किसका किसका, ऑब्जेक्ट और इमेज का, ठीक है। तो एम क्या होगा, इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट की हाइट, या बी अपॉन यू, ठीक है ना, इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट की हाइट या बी अपॉन यू। द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय लेंस सिमिलर टू दैट फॉर द स्फेरिकल मिरर, जैसे हम लोगों ने स्फेरिकल मिरर पढ़ा था, द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज एंड द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन, ठीक है ना, याद रहेगा। और एम से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अच्छा हम लोगों ने जो पहले वाली जो स्लाइड देखी ना, उसमें देखो मैंने यहाँ पे दिया हुआ था एम वन एम टू का, कि अगर दो लेंस लिए जाते हैं, ठीक है, इसमें देखो मैंने दिया था, अगर दो लेंस हम लोग लेते हैं तो क्या होगा, ये देखो टोटल मैग्निफिकेशन क्या होगा, एम वन इंटू एम टू हो जाता है, मल्टीप्लाइड हो जाता है, ठीक है ना। दो लेते हैं तब क्या होता है, मल्टीप्लाइड हो जाता है, एम वन इंटू एम टू हो जाता है, मतलब अगर हम यहाँ पे दो लेंसेज लेंगे, ठीक है ना, तो फाइनल मैग्निफिकेशन कितना होगा, एम वन इंटू एम टू, ठीक है। अब पोजिशन एंड साइज ऑफ इमेजेस फॉर्म, तो देखो साइज ऑफ इमेजेस कैन बी फाउंड यूजिंग द मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, ठीक है। अगर ये नेगेटिव है, इफ एम इज नेगेटिव तो रियल इमेज, इफ एम इज पॉजिटिव तो वर्चुअल इमेज, ऑब्वियसली। देखो अगर नेगेटिव आएगा तो आपको बताया था ना मैंने, नेगेटिव कौन सा केस होता था, जब कॉन्वेक्स में u तो हमेशा नेगेटिव ही रहेगा, है ना, ये तो हमेशा नेगेटिव रहेगा। अब v हो जाता है पॉजिटिव, तो जब v पॉजिटिव बन रहा था तब रियल इमेज बन रही थी, और जब v नेगेटिव हो जा रहा था तब वर्चुअल इमेज हो जा रही थी, ठीक है ना, तो ये याद रहेगा आप लोगों को, ओके। अच्छा अभी इसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें हैं, जैसे पावर ऑफ लेंसेज मैंने बताया, इसको डाइपोलर में
The power of lens is defined as the reciprocal of focal length and represented by letter P. ठीक है ना, of lens. तो P क्या होता है? P हो जाता है 1 upon F, power of lens. SI unit क्या होती है? Diopter होती है. It is denoted by letter D. If F is expressed in meter, then power of power किस form में होगा? Diopter के form में होगा. तो D is 1 m to the power minus 1. 1D is 1 m to the power minus 1. ये power में है ये. ठीक है? The power of convex lens is positive and concave lens is negative. तो यार देखिए, आपके पास अगर specs आप लगाते हो, उसका power कैसा है? अगर positive है तो मतलब आपके specs में convex mirror है. अगर negative है तो concave mirror लगा हुआ है. Concave mirror, sorry, concave lenses लगा हुआ है. ठीक है ना? अब power of combination of lenses मैंने बताया था ना, P क्या हो जाता है? P1 plus P2 plus P3 जितना add करते जाओ. और ये देखिए form. ठीक है? Plus है तो converging lens है, minus है तो diverging lens है. ठीक, जीरो है तो फ्लैट शीट लगी, कोई पावर नहीं है. ठीक है ना? कन्वर्जिंग कहाँ होता था? कन्वर्जिंग होता था कॉन्वेक्स में. डाइवर्जिंग कहाँ होता था? डाइवर्जिंग होता था कॉनकेव में. ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी. ठीक, अब इसके बाद में नेचर ऑफ लाइट. देखो, ये एक पहले का पार्ट था जो छूट गया था कि लाइट का बिहेवियर कैसा होता है. तो लाइट का बिहेवियर ना तीनों तरह का होता है. मतलब वो रे बिहेव भी करती है, वेव बिहेव भी करती है और पार्टिकल. रे कब करती है? रिफ्रैक्शन के टाइम पे. वेव कब करती है? इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के टाइम पे. पार्टिकल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के टाइम पे. ठीक है, और जो दूसरी चीज याद रखने वाली है वो है स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है. तो ये होती है 2.99 × 10⁸. ये 10⁸ यहाँ नहीं है, ये 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है ना, तो ये इसको हम ले लेते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, सॉरी स्क्वायर मीटर पर सेकेंड. ये क्या होती है? ये होती है स्पीड ऑफ लाइट. इसको हम क्या बोलते हैं? ये है स्पीड ऑफ लाइट. ठीक है ना, तो आई थिंक आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी. इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट होता है इस चैप्टर में तो मुझे बताइए. ठीक है, अगर आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए. मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के दूंगी जिसमें हम लोग इसके जितने भी न्यूमेरिकल है उनको प्रैक्टिस करेंगे. ओके, टिल देन थैंक यू, बाय बाय बच्चों. बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस का जो नहीं समझ में आता है वो मुझसे पूछो आके. ओके, थैंक यू.